बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। देखिए, जीके जीएस एक समुद्र है और इसे जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो क्यों ना हम सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को पढ़ें। इससे होगा क्या, आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाइएगा और आपका रिजल्ट भी 100% होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। आपको बताना है भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट। ऑप्शन में दिया गया है बॉम्बे सेपर्स, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे सेपर्स, ऑप्शन ए इसका यहां सही उत्तर हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागकण नहीं होता है? तो आपको बताना पर परागकण नहीं होता किस वृक्ष में। तो वो एकमात्र वृक्ष है इस ऑप्शन में, वो है कटहल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कटहल। देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि सभी प्रश्नों को हमें देखना है ना, तो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट है, जरूर पूरा सेट देखें। और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कितने प्रश्नों के जवाब आते थे, आपका स्कोर क्या है, ताकि हमें भी पता लगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है हमारे सेट में। तो तीन नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है वो किस पशु के दूध में पाई जाती है, ये आपको बताना है। उस पशु का नाम है होल्स्टन फ्रीजन, होल्स्टन फ्रीजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे चार नंबर प्रश्न पर। चार नंबर प्रश्न है चंद्रयान से, तो चंद्रयान टू का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या है? आपको वो तिथि बताना है जब चंद्रयान टू चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया था। तो वो तिथि है 7 सितंबर 2019, ये बात आप सभी को पता होगा, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान टू ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग किया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छोड़ा कब गया था ये भी जानना जरूरी है ना, तो ये छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को, ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक प्रश्न और हमें याद आ गया। देखिए, जो जो याद आता है ना इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए, चंद्रयान टू की यहाँ पे बात हो रहा है, तो चंद्रयान वन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान वन कब छोड़ा गया था? तो चंद्रयान वन छोड़ा गया था आपका 2008 में, है ना। चंद्रयान 2008 को छोड़ा गया था और चंद्रयान टू 22 जुलाई 2019 को, तो क्लियर है। आ जाएंगे पांच नंबर प्रश्न पर, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया है ये 73वें तथा 74वें, आप सभी को पता होना चाहिए, 73वें तथा 74वें, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे छह नंबर प्रश्न पर। छह नंबर प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? तो ये है बरदोली सत्याग्रह। क्या है? बरदोली की सत्याग्रह, ऑप्शन ए इसका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, बरदोली सत्याग्रह। आ जाएंगे सात नंबर प्रश्न पर, मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो इसका कमेंट में आप जरूर उत्तर बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे दो तीन, ठीक ना, हर एक सेट में मिलेंगे। आ जाएंगे आठ नंबर प्रश्न पर, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आपको बताना है जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन बी में क्लोरीन द्वारा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा होता है। आ जाएंगे नौ नंबर प्रश्न पर, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, ध्यान देंगे, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहां पूछा जा रहा है दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाएगा तो उसका घनत्व, तो उसका घनत्व बढ़ेगा, ठीक ना। कई भाई जल्दी में सोचते हैं क्रीम हटा दिया तो कम ही होगा, नहीं, यहाँ बढ़ जाएगा। वीडियो देखिए, इस पर मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, टाइम के अभाव के कारण हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को देखना है, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरे डिटेल में बताएंगे। दस नंबर प्रश्न देखेंगे, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, ठीक ना। तो जीवाणु मर जाते हैं लाइसोजाइम के कारण, है ना, लाइसोजाइम के कारण जो है
एंजाइम मर जाते हैं। देखिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं एक बार और। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो जीवाणु मर जाते हैं उसमें लाइसोजाइम है एक, जिसके कारण मर जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, दाद है एक, दाद क्या है? दाद एक कवक जनहित रोग है। क्या है? दाद एक कवक जनहित रोग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो देखिए थोड़े से करंट अफेयर भी है 2019 के, तो वो भी थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक ना। उस समय था 52। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 52। आ जाएंगे 12 नंबर हो गया। 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है? तो हेरिटेज सिटी आपको बताना है कौन सा है, तो यह है जयपुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है, जा रहा है यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है? तो हेरिटेज दूसरा आप सभी को पता है, हमने बता दिया है जयपुर है, तो पहला कौन सा है यह भी आपको याद रखना है। तो पहला है आपका अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। अगर पूछेगा पहला तब अहमदाबाद सही होगा, अगर दूसरा पूछेगा तो जयपुर आपका सही होगा। यहां दूसरा पूछ रहा है तो जयपुर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से सरोद का प्रमुख कलाकार है? सरोद का प्रमुख कलाकार है, तो आप सभी को पता होना चाहिए उस्ताद अहमद अली खान है। ऑप्शन ए इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उस्ताद अहमद अली खान। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पर। पाकिस्तान में कहां अवस्थित हजार साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया? तो ये हिंदुओं के लिए खोला गया है, सबसे बड़ी बात है, है ना, और ये है सियालकोट। ऑप्शन ए देखेंगे, सियालकोट ऑप्शन ए यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पर। 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है, आपको बताना है 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा 83.6 वर्ग मीटर, यानी 83.6 वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमाओं को नहीं छूती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें हम चारों ऑप्शन जो दिए हैं ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गुजरात क्या है, तो गुजरात जो है सीमाओं को छूती है, कौन सी? पाकिस्तान की। राजस्थान भी छूती है, पंजाब भी छूती है, नहीं छूती है तो वो है हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, पाकिस्तान की सीमाओं को नहीं छूती है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पर। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो आवश्यक विटामिन है विटामिन के, ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पर। 30 जुलाई 2019 को निम्न में से किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? वित्त सचिव नियुक्त किया गया था 30 जुलाई 2019 को, करंट अफेयर है उस टाइम का, यानी राजीव कुमार, है ना, राजीव कुमार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पर। देखिए थोड़े से करंट अफेयर मिलेंगे, उसे देखते हुए चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कोलकाता से काबुल पहुंचे? कोलकाता से काबुल पहुंचे कौन? सुभाष चंद्र बोस, वो किस नाम से? तो वो नाम है जियाउद्दीन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जियाउद्दीन। आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से किस देश ने 2019 में पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता? आपको बताना है विश्व कप क्रिकेट जीता पहली बार 2019 में, तो वह है इंग्लैंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पर। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? आपको बताना है किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं, तो वो है आपका गंगा सागर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा सागर। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलने का रीजन ये है कि हमें सभी प्रश्नों को देखना है ना, क्योंकि हम रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, सब फास्ट चलेंगे तभी हम सभी प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। 23 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम है तो वह है ब्रेटर निकोबार द्वीप समूह, है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया?
तो ये है अनटू दिस लास्ट, है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनटू दिस लास्ट। आ जाएंगे 25 नंबर प्रश्न पर, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 78 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी। आ जाएंगे 26 नंबर प्रश्न पर, 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया, नहीं समझ में आया ना, फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया, तो यह है कराची अधिवेशन, कौन सा, कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी का सही उत्तर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। तो यह था 26 नंबर, आ जाएंगे अब 27 नंबर प्रश्न पर, 27 नंबर प्रश्न है, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है, विचार करना है क्या सही है क्या गलत है। तो तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, तो ये सही है ना, कथन ठीक है। अगला देखते हैं, पवने हल्की और परिवर्तनीयशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणवर्त दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये तो सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, मौसम प्राय शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है ना, मौसम प्राय शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है, तो बिल्कुल सही है, यानी एक और तीन जो है इसका सही है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन डी में, एक और तीन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 28 नंबर प्रश्न पर, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक हैं, लेखक बताना है कौन है भाई, तो ये है मेजर जनरल जी डी वक्सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर जनरल जी डी वक्सी। चलो आ जाते हैं 29 नंबर प्रश्न पर, संवाहिनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो विशिष्टता नहीं है वो आपको बताना है, यह वर्षा प्राय दोपहर से पहले होती है, क्या यह वर्षा प्राय दोपहर से पहले होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 30 नंबर पर, 30 नंबर पर, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्य अस्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण है, तो आपका बताना है कारण, तो कारण है अपवर्तन का, क्या है अपवर्तन, ऑप्शन सी यहां सही उत्तर हो जाएगा, कारण जो है अपवर्तन का। आ जाएंगे 31 नंबर प्रश्न पर, देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आप प्रश्नों को मिस कर देंगे, है ना, ध्यान से देखिए, हम देखिए फास्ट इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपका भी टाइम बचे, है ना, आप दोबारा भी रिवीजन सको, क्योंकि हम मेन मोटो मेरा यही है कि आप रिवीजन करो हमारी वीडियो से, ठीक ना, आपने कहीं ना कहीं जरूर सेट लगाया होगा, है ना, तो इस वीडियो में आपको बस ये देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ना। तो आ जाएंगे 31 नंबर पे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है, अब कुल जजों की संख्या हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 32 नंबर प्रश्न पर, 32 नंबर देखेंगे, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पानी रखा है, जार के पानी में एक कोर को धकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है कोर, तो क्या होगा, आपको बताना क्या कंडीशन रहेगा, तो ये रहेगा धकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा, किसमें, धकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा, ऑप्शन सी देखिए, धकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाएंगे 33 नंबर प्रश्न पर, देखिए 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ईजी है, देखेंगे ध्यान से, जब किसी वर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, गलनांक बताना है, आप सभी समझदार होंगे, कमेंट में इसका आंसर मारो क्या हो सकता है, तो क्या होगा बताइए जल्दी से, जब किसी वर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कम हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न पर, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, प्रश्न है डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, तो आरएनए उत्पन्न करता है प्रतिलेखन, क्या प्रतिलेखन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिलेखन। आ जाएंगे 35 नंबर प्रश्न पर, सूची 1 पशु को सूची 2 हृदय के विकास से
सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना भाई ध्यान से करिएगा, क्योंकि देखिए ये एक नंबर का प्रश्न है लेकिन इसमें चार प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो गलती नहीं करना है, एक किसी में गलती करोगे तो पूरा गलती हो जाएगा, आपको 35 नंबर का एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो ध्यान देंगे मत्स्य यानी फिश, मत्स्य क्या है आपका, कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मत्स्य में आपके दो प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा, ध्यान देना है ना। दो प्रकोष्ठ होते हैं किसमें, मत्स्य में यानी फिश में, मछली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। और स्नैक में कितने होते हैं, तो स्नैक में आपके तीन प्रकोष्ठ होते हैं, कितने, तीन प्रकोष्ठ होते हैं, तो स्नैक में तीन प्रकोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में आपके चार प्रकोष्ठ होते हैं, कितने, चार प्रकोष्ठ होते हैं। और तारा मछली, तो तारा मछली में आपके हृदय नहीं होता है, तारा मछली एक ऐसा मछली है जिसमें हृदय ही नहीं होता है, तो यह दो, यानी आपका क्या हो गया, 4-3-1-2 है ना, 4-3-1-2 देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो आपका 4-3-1-2 आपका ऑप्शन सी है, देखिए 4-3-1-2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 36 नंबर प्रश्न पर, स्कोर बताना ना भूलिएगा कमेंट में, ठीक ना, आपको अपना स्कोर बताना है, हमें पता लग सके कि आपको कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं हमारे सेट से, है ना, ताकि हमें पता लगे कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आ जाएंगे 36 नंबर प्रश्न पर, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया, आपको बताना है कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया, तो महापद्म नंद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महापद्म नंद। आ जाएंगे 37 नंबर प्रश्न पर, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध की बात हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए गौतम बुद्ध कौन थे, है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कहाँ उपदेश दिए थे, शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हर एक सेट में आपको मिलेगा, ऐसे ही कोई सेट छूटेगा जिसमें ये प्रश्न ना हो। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये प्रश्न पूछा अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, हम सब कवर कर लेंगे शॉर्ट में, तो पहले देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अंतिम उपदेश की बात कर रहा है तो ये कुशीनगर में, कहाँ, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये कुशीनगर में दिया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं ऊपर ऊपर से शॉर्ट में, तो ये अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था ये जानना जरूरी है, प्रथम उपदेश दिए थे इन्होंने सारनाथ में, कहाँ दिए थे, सारनाथ में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में और प्रथम उपदेश सारनाथ में, ऑप्शन बी में दे रखा है सारनाथ में। अच्छा ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे श्रावस्ती में, ऑप्शन ए में है श्रावस्ती। तो अगर पूछे कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये है श्रावस्ती में, है ना, और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, क्लियर, और अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। लुम्बिनी भी देख लेते हैं, तो ये कपिल वस्तु नाम लुम्बिनी नामक स्थान है जहाँ पे इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक ना। सबसे बड़ी बात कि इनका जन्म कब हुआ था ये आपको जानना बहुत जरूरी है, तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तो चारों ऑप्शन को देख लिए शॉर्ट में, कभी हम इस पर विस्तार में वीडियो ला देंगे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। फिर 38 नंबर है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे। नहीं समझ में आया ना, फिर से देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के केंद्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो वो है कन्नौज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, कन्नौज ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। आ जाएंगे 39 नंबर पे, 39, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित कव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की, तो एक किस शासक की छत्रछाया में की थी, तो शिव सिंह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 40 नंबर प्रश्न पर, मुगल काल में हरकारे कौन थे, आपको बताना है मुगल काल में हरकारे कौन थे भैया, तो ये थे आपके जासूस एवं विशेष वार्ताहार, कौन थे, जासूस एवं विशेष वार्ताहार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 41 नंबर प्रश्न पर, 41, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में
रखा गया? आपको बताना, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? उस भवन का नाम बताना, वो भवन कहाँ है भाई? तो वो है दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम। दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, आगे ना जैन धर्म बौद्ध जो है ना, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा होगा, दो नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सेट में आगे भी आपको मिलने वाले हैं इस तरह के प्रश्न। आगे मिलेंगे वो तो हम शॉर्ट में आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर आप इस पे पढ़ लेते हैं थोड़ा बारीकी से, तो आपका एक नंबर जो है ना, दो नंबर आपका नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस के सिलेबस पर मैंने बात किया था, आपने वो वीडियो देखा होगा, तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जान जाइए सिलेबस में है, बस आपको इसे पढ़ना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट क्लियर करना है अपना। तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो आपको बताना है कब विभाजित हुआ। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 43 नंबर पर, 43 नंबर पे गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका पंजाब का। कौन से का है? पंजाब का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। आ जाएंगे 44 नंबर पर, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? महाधिराज की उपाधि धारण की कौन है भाई? तो ये है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 45 नंबर प्रश्न पर, 45 नंबर प्रश्न है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको बताना, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये है आपका महत्वपूर्ण कारण उसका स्त्री होना, है ना, उसका स्त्री होना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुछ प्रश्न इजी भी हैं जो आपको आते होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको नहीं भी आते होंगे, है ना, थोड़ा सा सिलेबस से हटकर कुछ नहीं है, ये आप जान लीजिए। अगर आपने 10th और 12th किया है ना, तो इजिली आप क्रैक कर दीजिएगा बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जाम। अभी जितने भी दिन बचे हैं, देखिए 7 तारीख से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 7 अगस्त से, तो आप उतने टाइम तक अपनी तैयारी को बेस्ट कर लीजिए, ताकि आपका जो है रिटर्न एग्जाम निकल जाए, है ना, और फिजिकल जो सेकंड प्रोसेस है वहाँ तक आप पहुँच पाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दूंगा, ठीक है ना। देखिए, लाइट नहीं है तभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस आपके लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आ जाएंगे 46 नंबर प्रश्न पर, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? आपको बताना, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 47 नंबर प्रश्न पर, 47 नंबर प्रश्न है, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? देखिए, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी देखिएगा, बादलों की दिशा एवं गति क्या पता लगाया जाएगा? तो बादलों की दिशा एवं गति, यह था आपका 47 नंबर, जो कि क्लियर हो गया। आ जाएंगे 48 नंबर पर, 48 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का निवास है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का निवास आपको बताना है कहाँ है। तो ये है ऑप्शन सी देखिएगा, 7 रेस कोर्स रोड, है ना। और देखिए, ये अगर ऑप्शन में आ गया ना, तो आप इसी को टिक मारिएगा, 7 रेस कोर्स रोड, लेकिन वर्तमान में इसका नाम भी चेंज हो गया है ना, लेकिन सब इसी नाम से जानते हैं, कोई नए नाम से नहीं जानता। तो नया नाम क्या है? 7 लोक कल्याण मार्ग, है ना, ये नया नाम है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आप दोनों को याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का निवास जो है, इस ऑप्शन जैसे कि ये 48 नंबर जो प्रश्न है, ये कंडीशन जो है, यहाँ पे आप 7 रेस कोर्स रोड मारिएगा, ठीक ना। और अगर रहा 7 ऑप्शन में, ये भी हो सकता है 7 लोक कल्याण मार्ग, तो आप वो भी मारिएगा। अगर दोनों दिया रहेगा, तो आप कौन से टिक कीजिएगा? सबसे बड़ा है ना दिक्कत वाला प्रॉब्लम, खड़ समस्या, कि दोनों होगा तो कौन सा। तो दोनों अगर रहेगा ना भाई, तो ऑप्शन डी में रहेगा, ए और बी दोनों, है ना। अगर दोनों रहेगा तो उसका ऑप्शन डी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, तभी आप टिक मारिएगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक में मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि OMR सीट पे जब एक बार आप गोला मार दीजिएगा ना, तो उसे सुधार नहीं पाइएगा। अगर सुधारने का प्रयास कीजिएगा, तो ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन भी ले मरिएगा, है ना। तो अगर गलत हो गया तो हो गया, उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाना है।
अगर OMR पे रंग दिया। देखिए ये बात आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इससे आपका रिजल्ट भी अटक सकता है। आप कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना करो, अगर OMR ढंग से नहीं भर पाइएगा ना तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना करो, आपका 78 पार क्यों ना हो, 80 क्यों ना स्कोर पार कर दो, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि आपने OMR में गलती कर रखा है। कितने प्रश्न आपके ऐसे ही खराब हो जाएंगे, तो ये सभी पर बात करेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे इस पर हम आपको अपडेट देते रहें, है ना। अभी सेट का सोल्यूशन कर रहे हैं वो देखिए। 48 नंबर था भारत के प्रधानमंत्री का निवास। तो निवास जो है ये 7 रेस कोर्स रोड है और वर्तमान में इसका नाम भी चेंज हुआ है, जो है 7 लोक कल्याण मार्ग, है ना, ये नाम है। तो दोनों में से किसी में रहेगा, दोनों सही उत्तर है। 49 नंबर है हिडन वर्ग रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा है। ये आपका है ऑप्शन बी, देखिए जर्मनी और पोलैंड। क्या है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आ जाएंगे 51 नंबर प्रश्न पर। प्रदूषण स्तर कम करने हेतु केंद्र सरकार ने अभियान का शुभारंभ किया, अभियान का निम्न में से क्या नाम है। तो उस अभियान का नाम है हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली। क्या? हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 52 नंबर प्रश्न पर। विशाल सिक्का ने इंफोसिस ने मैनेजिंग डायरेक्टर MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पद से इस्तीफा दे दिया। इन्फोसिस ने उनके स्थान पर निम्न में से किसको अंतरिम CEO MD नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया था आपका UB प्रवीण राव, है ना, UB प्रवीण राव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 53 नंबर पर। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका, क्या कहेंगे ये, मुद्रा संकुचन। क्या कहेंगे? मुद्रा संकुचन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 54 नंबर प्रश्न पर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो किया गया था वो 1966 से 1967 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1966 से 67 में। आ जाएंगे 55 नंबर प्रश्न पर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कहलाती है। तो सबसे ऊपरी सतह कहलाती है क्या? एग्जोस्फियर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एग्जोस्फियर कहलाती है। 56 नंबर देखेंगे, इनमें से किस वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रवीश कुमार है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 57 नंबर पर। हाल ही में 29 जुलाई 2019 को भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई। तो ये त्रिपुरा से जो हुई थी वो 7वीं थी। कौन सी? 7वीं थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 58 नंबर पर। राग भैरवी किस समय गाया जाता है। तो ये आपको बताना किस समय गाया जाता है राग भैरवी। ये गाया जाता है रात्रि, नहीं रात्रि नहीं, ये आपको गाया जाएगा प्रातःकाल, है ना, ऑप्शन ए देखिए, प्रातःकाल गाया जाता है राग भैरवी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रातःकाल। आ जाएंगे 59 नंबर प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है वो है 29 जुलाई को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 29 जुलाई को। आ जाएंगे 60 नंबर प्रश्न पर। 60 नंबर है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हैं ये आपके विजय कुमार चौधरी। कौन? विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 61 नंबर प्रश्न पर। 2019 का ये करंट अफेयर है, ठीक ना। 61 नंबर देखेंगे, मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया, देखिए ये इस पहले वाले सेट यानी सेट 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया लेकिन घुमा के पूछा गया था। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो ये जो जिम्मेदार है वो है आपका परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण। याद होगा अगर आपको तो सेट 1 में पूछा गया था ऋतुओं के परिवर्तन का कारण क्या है, तो वो भी परिभ्रमण के कारण ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है,
है ना, ऋतुएं आती है जाती है, तो ये परिभ्रमण के कारण। यहाँ आपसे पूछा है मौसम के बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया, देखिए प्रश्न को घुमा दिया है, है ना, है वही प्रश्न, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो अधिकतर प्रश्नों को हल कर पाइएगा। तो 61 नंबर है, मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, तो वो परिभ्रमण है, रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। आ जाएंगे 61 नंबर हो गया, 62 नंबर पर, 62 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं ये है आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूस है, अरबी है और स्पेनिश है, यानी ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी, स्पेनिश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर है। आ जाएंगे 63 नंबर प्रश्न पर, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, ध्यान देंगे, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे पूर्ण विचार के लिए वापिस भी भेज सकते हैं ना, तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी देखिए, पूर्ण विचार के लिए वापिस भेज सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर है, पूर्ण विचार के लिए वापिस भेज सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 64 नंबर प्रश्न पर, 64 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, ऑप्शन बी देखेंगे, कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 65 नंबर प्रश्न पर, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है, प्रश्न को घुमा के पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन बी देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 66 नंबर प्रश्न पर, 66 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप से खतरा उत्पन्न होता है, किस रूप से खतरा उत्पन्न होता है, तो यह होता है आपका संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, क्या है, संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाएंगे 67 नंबर प्रश्न पर, 67 नंबर प्रश्न है, BCCI ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है, तो स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है आपका बायजू, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बायजू। आ जाएंगे 68 नंबर प्रश्न पर, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, आपको बताना विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो आप सभी को पता होगा मैक्सिको की खाड़ी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। आ जाएंगे 69 नंबर प्रश्न पर, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है कौन सा, तो ये लाइम है, सिरका है और एल्युमिनियम है, यानी ऑप्शन डी देखिएगा, लाइम, सिरका और एल्युमिनियम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। आ जाएंगे 70 नंबर प्रश्न पर, इंसुलिन स्रावित होती है, तो स्रावित होती है क्या, पैनक्रियाज में, यानी अग्नाशय में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैनक्रियाज। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपको बताना है, वो है हरियाणा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा। आ जाएंगे 72 नंबर प्रश्न पर, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। 72 नंबर देखेंगे, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, वो है आपका मौर्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य। बाकी के 10 प्रश्न मैथ है और उसमें कुछ आपके इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर आपका डिमांड रहा तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि हमारे सेट में आपका कितना नंबर आया है, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।